हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक और आज अपन पी ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे 17 ग्रुप हैलोजन फैमिली। तो हेडिंग लिखेंगे हैलोजन फैमिली। 17 ग्रुप एलिमेंट्स, देखो कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। और बेटा जितने भी अपन ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैलोजन फैमिली, क्योंकि नीट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए वो हैलोजन वाले से ही पूछे गए। और किसी भी ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पर हैलोजन की रिएक्शन तो सब में ही रहती है, तो यहाँ से कंसेप्ट यहीं से बनते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, ये तो होते हैं आपके नॉन मेटल, ये होते हैं नॉन मेटल्स। और ये क्या होगा, एस्टरीन मेटलॉइड होते हैं। अब इसके अंदर देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन ये तो बेटा होती है गैस, इनकी फिजिकल स्टेट होती है गैस। ब्रोमीन होता है ये होता है लिक्विड, और आयोडीन होता है ये सॉलिड होता है। आपसे पूछा जाता है ये कौन सा सॉलिड होता है, तो एक आई ने दूसरे आई के साथ बॉन्ड बना लिया, वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरे आयोडीन के साथ में जुड़ेगा तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, वैन डेर वाल्स, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने पर पोलराइजेशन बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन वो बढ़ता है। तो ये सॉलिड होते हैं तो किस टाइप के सॉलिड होंगे, तो आप बताओगे आयोडीन इज वैन डेर वाल्स सॉलिड। तो बेटा ये हैलोजन थे, इसमें से फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, इनको अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं या ऑक्सीडाइजिंग नेचर से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिएक्टिविटी। हेडिंग आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिएक्टिविटी। मैं एक बार पूरा मिटा के इसको लिख देता हूं, क्योंकि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिएक्टिविटी। तो देखो यहां पे इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिएक्टिविटी में नॉन मेटल है उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। देखो आपने ये मान लिया कोई एक्स, ये एक्स मान लो गैस भी मान लेता हूं मैं, ये आपका नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसका फॉर्मेशन किया, एक्स नेगेटिव। अब यहां पर बेटा एक्स नेगेटिव फॉर्मेशन एक्वस स्टेट में अपन मानेंगे इसको वैसे तो, लेकिन यहां पर गैस भी मान लेते हैं, पहला मैं गैस भी मान रहा हूं। तो गैस के अंदर जो आसानी से जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन अपन जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, एक्वस मीडियम में, और एक्वस मीडियम में ECS के बेसिस पर देखा जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर देखा जाता है। कैसे क्या देखते हैं, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इन सबको देखेंगे। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी वो इतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहां पर मैं ये बता देता हूं रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इसका ऑर्डर देखो, तो ये वाला ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर किसके बेसिस पे आता है, कैसे आता है, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसको पढ़ेंगे। फॉलोइंग थ्री एंथैल्पीज
आर इन्वॉल्व्ड फॉर डिटरमाइन रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ. फॉर डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑब्लिक रिएक्टिविटी. तीन एनर्जी इन्वॉल्व होती है. देखो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है. जैसे मैं पहले एक्स मान की कर रहा हूं, देखो मेरे पास में था एक्स टू, कोई भी हेलोजन है. इसको सबसे पहले मैंने बॉन्ड डिसोसिएट करके एक्स लाया एक्स गैस में, तो यहां पर एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है. पहले तो बॉन्ड डिसोसिएट किया तो इसको देखो क्या कर दिया, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. फिर यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एक्स नेगेटिव में गया ही, और कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वहां पर इन्वॉल्व एंथैल्पी क्या होती है, क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो. मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता हूं, इजियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर एक्वस मीडियम में डालते हैं हाइड्रेशन, इसका करते हैं वाटर में डालते हैं इसको, हाइड्रेशन इसका किया आपने, हाइड्रेशन वाटर में आपने डाला, तो यहां पर होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये होगा एक्स नेगेटिव एक्वस. तो ओवरऑल आप देखोगे, ओवरऑल डेल्टा एस देखोगे तो तीन एनर्जी पे डिपेंड करेगा. कौन कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी. बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये तो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये वाली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और ये वाली भी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. तीन एनर्जी इन्वॉल्व हो गई. कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, जिसमें ये वाला एंडोथर्मिक है, ये दोनों एक्सोथर्मिक है. ये देखो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी. इन तीनों को ऐड करने पर मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या उसकी रिएक्टिविटी उतनी हाई होगी. समझ में आया क्या बताया. हेलोजन आपके पास है, तीन एनर्जी इन्वॉल्व हुई, बॉन्ड एसोसिएशन पॉजिटिव होती है, तो देखो कौन फेवर करेगा, जिसके लिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम हो, ये नेगेटिव वाली एनर्जी ज्यादा हो, तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा होगी वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन इसी के बेसिस पर अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पर ही बात करें, तब तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है. याद करो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, यहां पर तो क्या होगा, स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, जबकि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है इसकी कंपैरिजन में, तो ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज होती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव किसकी ज्यादा आएगी, फ्लोरीन की. देखो मैं उसको भी बता देता हूं, इसको नोट कीजिएगा, बस ये ध्यान में रख लेना कि ये हेलोजन की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, तीन एनर्जी पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. आगे चलते हैं, कंपेयर करते हैं इनको. बेटा ब्रोमीन और आयोडीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन और क्लोरीन को मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं. देखो मैंने लिया फ्लोरीन, हाफ डेल्टा एच बी डी ई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फ्लोरीन गैस, इलेक्ट्रॉन ऐड किया डेल्टा ई जी एच, एफ नेगेटिव गैस, वाटर डाला तो हाइड्रेशन है, डेल्टा एच हाइड्रेशन, एफ नेगेटिव एक्वस. ये अपन पढ़ चुके हैं दोनों नेगेटिव होती हैं, ये वाली पॉजिटिव होती है, और ओवरऑल वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, और जिसके लिए ओवरऑल वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी. देखिएगा ऐसे क्लोरीन को मैं कर लेता हूं, क्लोरीन हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सीएल गैस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सीएन नेगेटिव गैस, हाइड्रेशन एनर्जी, एफ नेगेटिव एक्वस.
अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर करो तो किसको फेवर कर रही है? देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा एच, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो ये ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें होता है? क्लोरीन में, उसके बाद में किसमें होता है? ब्रोमीन में, फिर फ्लोरीन और हाइड्रीन में ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ये ऑर्डर होता है। और लिपिंग के बेसिस पे अपन ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में ये वाला ऑर्डर होता है। तो ज्यादा एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड है? सीएल टू के लिए। और इन दोनों को कंपेयर करें लेस किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। और ये वाली एनर्जी आप जानते हो कैसी होती है? पॉजिटिव। और आपको तो ओवरऑल वैल्यू क्या चाहिए? नेगेटिव। तो जिसके लिए पॉजिटिव वैल्यू कम होती है उसको ये वाली फेवर करेगी। तो किसको फेवर कर रही है? एफ टू को। तो लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज फेवर ऑफ फ्लोरीन। पहले तो किसको फेवर करिए? फ्लोरीन को। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एफ नेगेटिव, एफ से बन रहा है एफ नेगेटिव। और दूसरा सीएल, इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है सीएल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसके फेवर में है? किसमें ज्यादा होती है? बेटा बताया था ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की ही होती है। तो ये फेवर इन क्लोरीन। सॉरी, डेल्टा जी एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फेवर ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन को फेवर कर रही है। थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी देखो, इसका हाइड्रेशन क्या, इसका हाइड्रेशन क्या? हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू अपॉन आर। चार तो दोनों पे सेम है, एफ नेगेटिव है, आर रेडियस, जो जितना स्मॉल होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और सबसे स्मॉल एनाइन पीरियोडिक टेबल का होता ही कौन सा है? फ्लोराइड। तो ये स्ट्रांगली फेवर इन फ्लोरीन। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एफ नेगेटिव की, बहुत ज्यादा होती है किसकी कंपैरिजन में? सीए नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हो स्ट्रांगली फेवर ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रांगली फेवर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन को स्ट्रांगली फेवर करता है। क्लियर हुआ? तो तीनों एनर्जी के बेसिस पे आपने देखा, तीनों एनर्जी के बेसिस पे देखा कौन कौन सी एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो तीनों को ऐड करने पे नेगेटिव वैल्यू होती है वो किसके फेवर कर रही है? फ्लोरीन को। ओवरऑल डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव फॉर एफ टू चेंज इन हाफ एफ एक्वस एज कंपेयर टू Cl2 गैस हाफ Cl नेगेटिव एक पास। तो ओवरऑल डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव, किसके लिए होती है? मोर नेगेटिव फ्लोरीन। इट मींस F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसके बेसिस पे देखा तो दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लियर हुआ बेटा? इसको उतारिए और बताते हैं। और जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, पहुंच करके उतार लो। तो तीन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन, बेटा बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन अकेले इस पर डिपेंड नहीं करती, इन तीन एनर्जी पर डिपेंड करती है। और इसमें ओवरऑल जिसके लिए वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और प्रैक्टिकली अपन देख रहे हैं जो नेगेटिव वो किसके फेवर में आ रही है? फ्लोरीन की। इसलिए फ्लोरीन है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। देखिए तो ये होगा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये होती है फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होते वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको इससे पहले डी ब्लॉक में भी बताया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका प्रोडक्ट वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल प्रोडक्ट ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद का रिडक्शन होगा, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये किसमें जाएगा, एफ नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है या ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर आप देखोगे, रिड्यूसिंग पावर ये होगा जिसमें से स्ट्रॉन्ग का तो वीक होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और याद करो इतने वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। याद करो K2CR2O से उनसे नहीं हो रहा था, H2SO4 से नहीं हो रहा था, ये क्लोराइड हो रहा था किससे, KMnO4 से इन एसिडिक मीडियम। तो ये बेटा आपको बताया, बहुत आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेलोजन की रिएक्टिविटी हर जगह पे आती है और ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग का प्रोडक्ट वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वीक का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको समझ में आया होगा ये जो भी बताया बेटा, इसको एक बार दोबारा से देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।